दोस्तों कहते हैं प्यार अंधा होता है। अच्छे अच्छे घरों को ये बर्बाद कर सकता है प्यार, और अच्छे अच्छे घरों को आबाद कर सकता है प्यार। लेकिन इसी प्यार ने दोस्तों एक ऐसे घर को उजाड़ दिया जिसके बारे में आप सुनकर आपके आज आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों 2 साल पहले दो दंपतियों की शादी हुई थी। पति का नाम पप्पू गुप्ता और पत्नी का नाम प्रीति गुप्ता। पप्पू गुप्ता दोस्तों मेडिकल कॉलेज में प्लम्बर का काम किया करता था। वो दिन रात मेहनत करता और अपने परिवार को चलाता और अपनी पत्नी को खुश रखने की कोशिश करता। यह पूरा वाक्य बिहार का बताया जा रहा है, 26 जुलाई की ये बात है। दोस्तों यहाँ पे इनके पारिवारिक रिश्ते बहुत अच्छे थे। पप्पू गुप्ता का एक भाई जिसका नाम था यहाँ पे राजू गुप्ता। एक दिन राजू गुप्ता इसके घर पे आता है और वो अपने भाभी को बहुत ज़्यादा लाइन मारने लगता है। प्रीति गुप्ता भी उसके लाइन में फंस जाती है और उससे अपना दिल दे बैठती है। दोनों के बीच प्यार प्रसंग शुरू हो जाता है। इन सारी बातों से अनजान राजू गुप्ता पप्पू गुप्ता रोज अपना जाता, काम करता, मेहनत से पैसे लाता और अपना घर चलाता। यहाँ तक कि दोस्तों उसकी पत्नी जो प्रीति गुप्ता थी, उसका एक सपना था कि वो एक बीएससी नर्सिंग करके एक नर्स बन सके। अपनी पत्नी को सपने को साकार करने के लिए पप्पू गुप्ता दिन रात मेहनत करके उसके लिए पैसे जमा करता ताकि उसकी पढ़ाई पूरी कर सके। इसके बाद उसका प्रीति गुप्ता का एडमिशन बीएससी नर्सिंग में करा देता है मेडिकल कॉलेज में, और उसी मेडिकल कॉलेज में वो प्लम्बर का काम करता था। लेकिन यहाँ पे उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। दोस्तों रोज की तरह जो राजू गुप्ता था, उसका भाई था, और प्रीति गुप्ता इसको छोड़ने जाता था। लोग सोचते थे कि देवर भाभी का संबंध है, आराम से जाते होंगे, आराम से आते होंगे। लेकिन ये संबंध हद से ज़्यादा पार हो चुका था। जो पति पत्नी का रिश्ता होता है कुछ इस प्रकार का बन चुका था। कुछ दिनों बाद दोस्तों मोहल्ले वालों के कहने पर पप्पू गुप्ता को मालूम चलता है कि इन दोनों के बीच में कुछ तो ऐसा है, और वो अपनी पत्नी को इस बात के लिए डांटता है। लेकिन पत्नी पूरी इस बात से इनकार कर देती है, और आए दिन पत्नी को इस बात के लिए बोलता है, लेकिन पत्नी उसकी बात को नहीं सुनती और उसके दिल में ये बात चुभने लगी। एक दिन पत्नी प्रीति गुप्ता ने प्लान बनाया कि मैं इसे मरवा के मानूंगी, और उसने फ़ोन किया अपने प्रेमी राजू गुप्ता को। राजू गुप्ता को फ़ोन आता है तो वो कहती है इसे आज तुम छोड़ना मत। और राजू गुप्ता दोस्तों एक लोग को 1,00,000 रुपये देता है, सुपारी किलर्स को 4 लोग रहते हैं कि आप मेरे भाई को मार दो। रिश्तों का पूरा सौदा कर दिया गया। इसके बाद प्लान बिल्कुल सेट था। 26 जुलाई के दिन मेहनत मजदूरी करने के बाद पप्पू गुप्ता अपने घर के लिए निकलता है और वो अपने पत्नी से बोलता है अभी 1 घंटे में मैं घर पहुंच जाऊंगा, खाना वगैरह बनाया तैयार रखा। उसे क्या मालूम था कि ये जो उसका कॉल था वो उसका आखिरी कॉल हो सकता है। इतना मालूम चलने के बाद उसकी पत्नी अपने देवर को बताती है और देवर वहाँ से गुंडे भिजवा देता है। रास्ते में वो बहुत आराम से आ रहा था कि तभी एक काली स्कॉर्पियो आती है और उसको गोलियों से छल्ली करके चली जाती है। गोलियों उसको दोस्तों बहुत सारी लगती हैं, लेकिन फिर भी कोई उसको मेजर इंजरी नहीं होती। लेकिन वो तड़पता रहता है, चिल्लाता रहता है, और फिर अपनी पत्नी को फ़ोन करता है और उसे मदद की गुहार लगाता है। अब जो पत्नी रहती है वो फ़ोन तो उठाती है लेकिन उसकी मदद के लिए नहीं। वो कहती है ठीक है मैं किसी को भेज रही हूँ। उल्टा वो फिर से गुंडों को फ़ोन करती है और कहती है कि तुम्हारे तुमने कैसी गोलियाँ चलाई हैं, मेरा पति अभी भी जिंदा है। इसके बाद वो लोग उसके पति को चाकू से जाकर गोद गोद के मार डालते हैं। अब ये जो पूरा मामला है दोस्तों पुलिस ने कैसे सुलझाया, जब दोस्तों ये मर्डर हो गया था तो इस मर्डर के बाद पुलिस वालों को लगा कि अगर किसी को कोई गोली मारेगा तो बाद में चाकू क्यों मारेगा। और जब इस मामले का पूरा पड़ताल किया पुलिस ने तो पूरा मामला खुला। ये दोस्तों बहुत ही बेहद ही हैरतअंगेज मामला है, और पुलिस ने ये पूरा मामला फ़ोन कॉल रिकॉर्डिंग से के द्वारा ट्रैक किया है। और आज के आधुनिक युग में ऐसे केसेस भी होते हैं, सुन के बड़ी हैरानी होती है। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे पुलिस ने राजू गुप्ता और प्रीति गुप्ता और जो हमलावर थे इन सभी को हिरासत में ले लिया है, और ये लोग जेल के सलाखों के पीछे हैं। सावधान रहें, सतर्क रहें, ये दो कुछ सीरियल वाले डायलॉग हो रहे हैं, लेकिन नहीं दोस्तों ये जो कहानी है बिल्कुल सच्ची है। दोस्तों और भी ऐसे खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब TX News फॉर मोर न्यूज लाइक दिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।